दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आरती ड्रग्स के बारे में। देखिए, आरती ड्रग्स बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए, जो कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है, उसके ऊपर ग्रोथ तो मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, मगर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहा है, उसका हालत खराब है। क्योंकि लास्ट वो मतलब एक साल से भी ज़्यादा, वन एक साल से लेकर 1.5 साल तक जो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है, और वो भी स्पेशली केमिकल सेक्टर का डिमांड बहुत हद तक कम हो चुके हैं। अगर मैं इस डेटा को आपको डीपली दिखा दूँ तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देख कर कहेंगे कि सर, कंपनी के ऊपर तो सेल्स तो ठीक ठाक ही है। हाँ, सेल्स तो ठीक ठाक आपको देखने को मिला। अगर आपने नोटिस नहीं करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ कि मार्च का 2021 का जो डेटा था 500 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के 690 करोड़ बना। उसके बाद 2023 में 740 करोड़ बना। अभी 2024 में क्या बना? सिर्फ 620 करोड़। मतलब कंपनी के जो सेल्स है वो कम हो गया। अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट यही है कि सही में क्या कम होते चले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पहले देखिए, धीरे धीरे करके कम हो रहा था, उसको रिकवरी करके कंपनी फिर से एक पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि सेल्स का जो आंकड़ा है वो पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 52 से लेकर 55, उसके बाद 56 एंड 47, एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो लगातार यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिले, जो कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए, जम कराने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि आरती ड्रग्स के ऊपर एक पॉजिटिवली जो ग्रोथ है, पॉजिटिवली जो मोमेंटम है, उसी हिसाब से बात करूँ तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। और अच्छा खासा देखिए, FISDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर सेल्स कम हो गया और इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया, और यहाँ पे उल्टा देखने को मिले। सेल्स कम हुआ और उसी जगह पे इंस्टीट्यूशन क्वांटिटी को भी ऐड करते चला गया, और FS ने भी बाय किया और DS ने भी बाय किया। क्योंकि FS के पास 1.90% होल्डिंग था, वो बढ़ के 2.56% होल्डिंग हो गया। DS के पास 3.90% होल्डिंग था, वो बढ़ के 5.99% के आसपास होल्डिंग हो गया। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया। उसी तरीके से अगर पब्लिक के बारे में बात करो तो पब्लिक के पास 34% का होल्डिंग था, अभी 34% होल्डिंग है। मतलब अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो जो पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर एक पॉजिटिवली जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न भी बनने जा रहा है, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। अगर इस हैंडल पैटर्न को क्रिएट करे तो एक बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना है, इसी रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस करके नीचे आ रहा है। इस रेजिस्टेंस लेवल को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, इस रेजिस्टेंस का हम सप्लाई जोन भी है। यहाँ से ही बिग फॉल देखने को मिला था, उसी जगह से फिर से फॉल्स देखने को मिल सकता है। तो अपकमिंग जो 25 जुलाई है, उस दिन में कंपनी के रिजल्ट भी आने वाला है। तो जो लोगों का डाउट है उसी दिन आपको क्लियर हो जाएगा कि सही में क्या कंपनी में रिजल्ट रिकवरी हो रहा है, क्या सही में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, वो आपको उसी दिन दिखेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई पैटर्न क्रिएट होने का, तब मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर डिसीजन लेने वाला हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। फाइनली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ऊपर जिस तरीके से रिकवरी हो रहा है, मुझे लगता है वो इजीली आप टारगेट को अचीव करेंगे। क्योंकि जो एक रेंज ट्रेड बना था, वो रेंज ट्रेड में आपको बता दूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाँच के पाँच टोटल बाइंग कैंडल बने, जिसका टोटल रेंज निकल के आया 22%। तो 22% के हिसाब से कंपनी के ऊपर जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा, और इस हायर लेवल तक क्या बनेगा? टारगेट। और फाइनली इसी लेवल से आप देख सकते हैं, इसी लेवल से धीरे धीरे करके कंपनी अपटेन में जा रहा है। तो अपटेन में जा रहा है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ध्यान से देखना, टोटल ट्रेंड जो है वो अपटेन है। क्योंकि यहाँ पे लो था, नेक्स्ट लो हायर लो बने, उसके बाद हायर लो बने, मतलब पॉजिटिवली एक ग्रोथ यहाँ पे अपसाइड जर्नी में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से जर्नी ऊपर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो मैं जरूर इसके ऊपर बुलिश रहूंगा। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंट्री नहीं है। मेरा जो फर्स्ट एंट्री है वो कुछ इस तरीके से लेवल में है, 916 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल तक, इस लेवल से लेकर अगर ऊपर तक जर्नी हुआ तो 41% का जर्नी देखने को मिलेगा, जिसको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो LIC के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव है, आपका व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपडेट है इस कंपनी के ऊपर वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी के ऊपर डिविडेंड का अपडेट है, कंपनी 6 रुपीज़ करके डिविडेंड देने जा रहा है, और वो भी कब देगा, 19th of July। तो 19th of July में कंपनी 6 रुपीज़ करके यहाँ पे डिविडेंड देने जा रहा है। मतलब हर एक शेयर के बदले कंपनी 6 शेयर आपको यहाँ पे देने वाला है। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनीज के ऊपर आपको डेटा देखने को मिले, एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे हर सिक्स मतलब हर शेयर के बदले एक 6 शेयर मतलब सॉरी 6 रुपीज़ देखने को मिलेगा। 6 शेयर नहीं, माफी चाहता हूँ, हर शेयर के बदले आपको 6 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा एज ए डिविडेंड के हिसाब से। तो इस कंपनी के रिजल्ट का जो डेट है वो भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, अगस्त मंथ में 28th of August कंपनी के रिजल्ट आएगा, 28 तारीख को आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उससे पहले कंपनी के ऊपर आप डीपली रिसर्च करना, अगर रिजल्ट आने से पहले कंपनी के शेयर भागता हुआ देखने को मिले तो रिजल्ट आपको अच्छा खासा देखने का चांसेस है। क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछली बार जो कंपनी का सेल्स के आंकड़ा हुआ था, इस बार सेल्स और भी ज़्यादा बनने का चांसेस है। अभी सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बनने का भी चांसेस रहेगा। तो बेसिकली इसको LIC इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, और इसका मार्केट शेयर के हिसाब से कंपनी के सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी 66% जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है तो उसके ऊपर 66% बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ नंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ पॉलिसीज 81% के आसपास है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी जो है 64% के आसपास है, और प्रीमियम जो इसका प्रोडक्ट है मतलब प्रीमियम जो मार्केट से उठा रहा है उसके ऊपर 72% मार्केट शेयर है। तो हर जगह पे कंपनी का एक मतलब एक अलग प्रेजेंस है, अलग मार्केट शेयर है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उस हिसाब से क्या सही में म्यूचुअल फंड ने कुछ डिसीजन लिया? देखिए म्यूचुअल फंड छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ वो इस कंपनी के ऊपर बाई कर रहा है, अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ वो एडिंग कर रहा है। तो आपके क्या ओपिनियन है LIC के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। फाइनली सुजलोन के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ, और ये भी बताया जा रहा है कि सुजलोन के अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा और भी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि सुजलोन को लगातार प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस देखने को मिला है। और जो बजट आने वाला है जुलाई मंथ में, और वो भी लास्ट वीक में, तब बजट में बताया जा रहा है कि जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है उसको अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है उसका भी जर्नी अच्छा खासा होगा। शायद मुझे लग रहा है अभी से वो ही जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, एक काफ़ी धन्य पैटर्न्स बना था, उसके बाद जब फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैं वेट किया रिटेस्ट करने का। तो रिटेस्ट किया तब एंट्री बना, और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे भी आए थे और रिकवरी करके वो टारगेट को भी अचीव किया। देखिए आप सोच रहे कि कितना टारगेट मिला, देखिए जब एंट्री लिया उस एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 22% के आसपास रिटर्न मिला, और वो भी कितने दिनों में मिला, वो मिला 130 दिनों में। 130 दिन का मतलब होता है 4+ मंथ, मतलब 4 मंथ और समथिंग जो आप बोल सकते हैं, तो 4 मंथ 10 दिन के आसपास। तो मुझे लगता है कि 4 मंथ्स छोड़ दीजिए, 6 मंथ में भी अगर 22% का रिटर्न मिले तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो बाकी सुजलोन के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि सुजलोन एनर्जी बहुत शानदार कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स का आंकड़ा देखिए 1100 से लेकर मतलब 2500 के आसपास सेल्स हुआ था, उसके बाद फिर से कम हो गया 1600 करोड़, इस बार 2100 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए, जब कंपनी बहुत ज़्यादा सेल्स करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ था, उल्टा नेगेटिव में जी गया था, और आज कंपनी को वो 320 करोड़ 350 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने का मतलब है कंपनी में जर्नी बढ़ना और कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होना। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखे हैं। देखिए म्यूचुअल फंड ने छोटा मोटा क्वांटिटी बाई किया, मगर FIIs ने 6% होल्डिंग को 19% तक लेके गया। और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, म्यूचुअल फंड जो है वो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में
म्यूचुअल फंड ने देखिए धमाका बाई किया, क्योंकि मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में, मई और जून सारे मंथ्स में अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग किया गया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा बूस्ट दिखाने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम अलमोंच ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो जो एक 438 करोड़ की कंपनी है, एक नैनो टाइप कंपनी है, और कंपनी की एक साल के अगर डेटा दिखा दूँ तो एक साल में इसका लो प्राइस था 77 रुपीज़ और आज चल रहा है 150 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट पैसा डबल कर चुके एक साल में। शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, वो है स्प्लिट का। तो 23 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले, हर एक के बदले 6 शेयर देने वाले हैं। मतलब इसका जो फेस वैल्यू था वो 6 रुपीज़ था, और इस 6 रुपीज़ को 1 रुपीज़ फेस वैल्यू के हिसाब से लेके आना चाहते हैं। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 6 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को एडुकेशन पर्पज़ में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।